आप यार फॉरेन में क्यों रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे कर दिया यार। जब तीनों ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो तीनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होता है? इन सेंटर। तो इन सेंटर निकाल लो इसका। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि अगर ऐसा घटिया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, उतनी मेहनत क्यों करनी है? ऑप्शन ए लो तीनों पेपर फ्रंट को ड्रॉप करो, ऑप्शन बी लो तीनों पे ड्रॉप करो, ऑप्शन सी लो तीनों पे ड्रॉप करो, ऑप्शन डी लो तीनों पे ड्रॉप करो। लेकिन अच्छा पेपर आएगा अगर एग्जाम में तो आपको इन सेंटर निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस। इन सेंटर निकालने के लिए ए निकाल लो, बी निकाल लो और सी निकाल लो। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। उसके बाद सिंपल है, लेंथ फ्रेंथ निकाल के निकाल सकते हैं इस डायरेक्ट फॉर्मूला से। नेक्स्ट बोलो। आई थिंक होमवर्क करके आए नहीं आप लोग। 39, 40, 41, 42, 43. 41 में हिंट के अलावा कोई सॉल्यूशन हो सकता है? और देखा जाए 41 one vertex of equilateral triangle with the centroid at origin, and the x plus y equal to 2 line है, ठीक है? तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात हो रही है और सेंट्रॉयड आपका ओरिजिन है, ठीक है? तो वर्टेक्स निकालना है, ठीक है? हाँ, तो क्या कर सकते हैं? ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए कॉमा टू माइनस ए। ये पॉइंट क्या मान लेंगे बोलो? बी कॉमा टू माइनस बी, ठीक है? नाउ थिंग इज कि यू कैन हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन इफ यू वांट। चाहिए गुड सॉल्यूशन, वेरी फास्ट सॉल्यूशन मेरे को स्ट्राइक हो रहा है अभी तो। अच्छा है, पहले उससे कर लेते हैं। देखो साइड की लेंथ अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ही होता है ना, ये मानते हो सब कुछ सारे ये लिखवाया था ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट्स एक ही जगह मिलते हैं, ये लिखा था, नहीं लिखा था हमने? हाँ सर। अरे ये लिखा है ना, हमने टॉपिक किया है हमने पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल, कि स्केलिन ट्रायंगल में सारे पॉइंट्स कैसे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे, आइसोसेलेस में सारे पॉइंट्स को, ये लिखा है, नहीं लिखा ये बात? तीनों ट्रायंगल के लिए नहीं लिखा है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आपने बोला था कि एक ही पॉइंट पे होंगे। नहीं नहीं, हाँ पोजीशन ऑफ पॉइंट्स जब हम पढ़ा, जब पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल लिखे होंगे ना हम लोग, किस ट्रायंगल में पॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, स्केलिंग में तीनों पॉइंट्स के लिखा था, मुझे याद आ रहा है। नहीं पड़ता, इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमेट्रिकल है तो सब कुछ एक ही जगह आ जाएगा ना। तो अगर ये साइड लेंथ, अगर ये साइड लेंथ अगर तुम्हारी मान लो, सुनो सुन रहे हो, तो ये इसको इसका रेशियो क्या होता है? 2:1 का होता है ना? यस सर। हाँ सर। तो ठीक है जी, तो ये रेशियो कितना होता है जी? 2:1 का होता है, मानते हो? हाँ सर। ठीक है, तो तो ये जो लेंथ है अगर ये पी है तो ये लेंथ कितना होगा? 2p होगा, मानते हो? Yes. तो पी कितना होगा? 0 + 0 - 2/√2, मानते हो? Yes. कितना हो जाएगा? √2। ये चीज क्लियर है? हाँ सर। Yes. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? √2। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2√2। और ये 0.0,0 है। फील आ रही है मैं क्या करने वाला हूँ, क्या यूज करने का सोच रहा हूँ मैं? इस लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप एंगल इस लाइन का स्लोप कितना है? -1 है ना? हाँ सर। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 1 1 1 होगा, है ना? तो
जीरो कॉमा जीरो से जब लाइन जब पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करते हैं उस पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो प्लस आर होता है, जब पीछे आते हैं तो माइनस आर होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा एक्स वन कॉमा वाई वन तो क्या हो जाएगा बोलो, जीरो माइनस टू रूट टू कॉस 45, जीरो माइनस टू रूट टू साइन 45। अरे बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. तो कितना आ गया पॉइंट, माइनस टू कॉमा माइनस टू। सही आंसर है गलत आंसर है सर? पीछे से टू टू कॉमा टू दिया है, मेरा भी माइनस टू कॉमा माइनस टू है। टू कॉमा टू दिया है? हाँ सर। जिस मेथड से जो जो उन्होंने हिंट दिया है उससे सॉल्व करने पे क्या आता है? उससे भी माइनस टू का माइनस टू आता है। उससे भी सॉल्व करने पे? हाँ सर। भाई जो हिंट दिया है उससे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? माइनस टू कॉमा माइनस टू। तो ठीक है ना, आंसर माइनस टू का माइनस टू रहेगा सर। वो हिंट टू कॉमा टू समझा नहीं। हाँ तो ये एक तरीका है, ये तो ये मुझे फास्ट तरीका दिया तुमने, बोला और कोई तरीके से सॉल्व कर दिया। ये क्लियर है क्या? हाँ ये क्लियर है सर। देखो पढ़ाई तभी फायदा करती है जो जितना बेसिक से सिखा रहा हूँ वो बेसिक दिमाग में बैठा हो। टफ क्वेश्चन में करा सकता हूँ, टफ क्वेश्चन में फायदा होता नहीं है। ठीक है, आपको लगता है अरे मेरे सर ने मस्त टफ क्वेश्चन कराया, आप अपने दोस्तों के सामने हीरो बन जाते हो, वो फायदा नहीं होता है। ठीक है, बेसिक चीज सीखो, बेसिक चीज कैसे बढ़ रहे हैं सर, ऊपर नीचे कैसे खेल रहा हूँ। ठीक है, रब करूँ इसको, ये एक तरीका है। कॉपी करिए इसको। रब करे एक मिनट। हो गया सर, ये एक मेथड था। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा ही सिस्टम है। अरे हाँ याना, तो ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू की लाइन है ना, और ये सेंट्रोइड है जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को अपन ले लेते हैं x1 कॉमा वाई वन, इसको ले लिया x2 कॉमा वाई टू, और इसको ले लिया x3 कॉमा वाई थ्री। ये बात चमकती है? Yes, और इसको ले लिया अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा बीटा किस पे लाई कर रहा है? इस पे लाई कर रहा है, हो गया? Yes, sir. अच्छा, फिर इस सेंट्रॉइड मालूम है ना, टू इस टू वन में डिवाइड करता है, तो टू अल्फा प्लस एक्स थ्री बाई थ्री इक्वल टू जीरो। हमेशा ध्यान रखो इलेवेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, कितने वेरिएबल है अभी तक, अल्फा बीटा एक्स थ्री वाई थ्री कितने वेरिएबल है, चार वेरिएबल है ना, कितने इक्वेशन आए हैं, तीन। एक और इक्वेशन चाहिए ना, तुम वो इक्वेशन यहां से, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा बताओ, वन बीटा बाई अल्फा। यस yes. और इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। चमकता है क्या? यस सर। तो अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। अरे क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ डाल दोगे तो अल्फा इक्वल टू वन बीटा इक्वल टू वन आ गया, यहाँ डाल दोगे तो एक्स थ्री और वाई थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू कॉमा माइनस टू। ये मेथड क्लियर है सर? क्लियर।
नेक्स्ट बोलो रब करें एक मिनट हाँ सर हो गया नेक्स्ट बोलो सर वो 45th क्वेश्चन के लिए आंसर कैसे लिखेंगे अपोजिट होगा या तो सेम होगा मतलब या तो अपोजिट कौन से साइड पे लाई करते हैं लाइन के वैसा लिखना है ना हाँ अपोजिट साइड या सेम साइड ओके सर बोलो बोलो नेक्स्ट बोलो 47th लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस क्या यार चलो इसमें डाउट का सवाल ही क्या उठा जो मैंने सिखाया है वो बताओ बस इसका ही इसी चीज की बात हो रही है इसके मिड पॉइंट की बात कर रहा है क्वेश्चन यस और नो यस सर यस सर मैंने आपको क्या सिखाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सब की अरे कुछ सिखाया है ना मैंने आपको हां सर पी सेक थीटा है ये नहीं सिखाया है आपको सर अब बताओ एच क्या होगा बोलो पी कॉस थीटा प्लस जीरो बाई टू के क्या होगा पी बाई कोसेक थीटा प्लस जीरो बाई टू बोलो तुम्हारा टू एच बाई पी तो अभी तुम्हारे पास सर पी बाई साइन थीटा हाँ सॉरी पी बाई साइन थीटा ठीक है तो टू एच इक्वल टू P sec theta, 2k is equals to P cosec theta. हम लोग को eliminate क्या करना है? Theta. Theta. तो theta कैसे eliminate करें? वो sine cos में square करके is equal to 1 कर देंगे. Cos theta कितना आ जाएगा? P by 2h. Sine theta कितना आ जाएगा? P by 2k. दोनों को square add कर दोगे तो P square by 4x square. P square by 4y square is equals to 1. Clear है? Yes, sir. Next बोलो. हाँ, next बोलो. Sir, 48 वाला कैसे प्रूव करेंगे? हाँ. रब करें इसको? हाँ, sir. एक second, sir. हाँ सर हो गया 40 कौन सा बोल रहा हूँ 48 वाला क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सारे जो वर्टेक्स है इंटीग्रल होने चाहिए इंटीग्रल इंटीजर है ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बता रहे जरा बचपन वाले फॉर्मूले से हाफ इंटू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू ये एरिया है ठीक है ये सब तो इंटीजर 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 रहेंगे है ना जो एरिया आएगा ए इज क्या रैशनल नंबर यस और नो यस सर अरे भाई एरिया इज रैशनल नंबर हाँ हाँ सर समझ गया अभी नहीं नहीं अच्छा क्वेश्चन कर लेने दे एरिया एक और तरीके से होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर ये बात मानते हो हाँ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन सो यू शुड अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी क्लियरली कि ऐसे क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्शन से ही सॉल्व होते हैं एक्स टू माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर तो मुझे बताओ क्या जो मैं लिख रहा हूं उससे क्या मालूम चल रहा है एनी लॉजिक डेवलपमेंट लॉजिक क्या है बताओ दैट अगर ये सब इंटीजर 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 है तो ए स्क्वायर इज इंटीजर यस और नो यस सर यस सर अगर ए स्क्वायर इज इंटीजर
तो यहां से इन दोनों को मिक्स किए तो क्या मालूम चल रहा है, ए इज इरेशनल। कैसे इरेशनल, रूट थ्री का फैक्टर है ना, तो ए इज रैशनल और ए इज इरेशनल, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। हाँ सर, दैट इंप्लाइज इट इज नॉट पॉसिबल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, नोट्स में कॉपी करो इसको। जानते हो इवेंट इंटीरियर तो हटाओ, अगर ये सारे ना रैशनल भी नहीं हो सकते हैं, ये बात इमेजिन कर सकते हो। क्वेश्चन तो इंटीरियर का था ना, मैं तो ये कह रहा हूं ये सारे वर्टेक्स रैशनल भी नहीं, रैशनल पॉसिबल भी नहीं है। बताओ कैसे बोल रहा हूं। तो ए स्क्वायर इज रैशनल नंबर आएगा ना। हाँ, ये बात समझ में आती है। हाँ सर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज कॉपी इन नोट्स। और फिर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट बोलिए, कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ जी बोलिए आगे। सर एक मिनट कॉपी कर। हाँ बेटा कॉपी करिए। अभी ये बता दो कल नहीं है नेक्स्ट क्लास, कल ही है नेक्स्ट क्लास? परसों। अरे यार सब वीक के शुरू में क्लास कौन देता है, परसों भी थर्सडे होगा। नहीं अभी तो ठीक है, एक दिन छुट्टी चलेगा, होमवर्क हो जाएगा। अरे कॉपी कर लिए। हाँ सर। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। बोलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 49, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर आ रही है। 51 52 53 54 54 55 56। सर एक बार 55। 55 ax plus 2y plus 1 equal to 0, bx plus 3y plus 1 equal to 0, cx plus 4y plus 1 equal to 0, कंकरेंट करना है ना। तो कंकरेंसी की कंडीशन कैसी होती है ना, कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड पास थ्रू दिस, इन दोनों ऊपर दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड पास थ्रू द थर्ड पॉइंट। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया बताओ? ax plus 2y plus 1 equal to 0 और bx plus 3y plus 1 equal to 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया बोलो? into 3 into 2 करके माइनस करो, क्या आ रहा है? 3a minus 2b into x प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1/2b-3a। अरे ये क्लियर है? अब इसमें डाल दो एक्स को तो वाई आ जाएगा a बाई 2b-3a प्लस 1 प्लस 2y इक्वल टू जीरो। तो ये तुम्हारा आ जाएगा a प्लस 2b-2a बाई 2b-3a y इज इक्वल टू -1/2। आई थिंक मैंने सही किया है, ठीक है? तो y का वैल्यू आ गया
a माइनस बी बाई टू बी माइनस थ्री है। अरे इतना क्लियर है क्या? अभी इसको डाल दो इसमें, c बाई टू बी माइनस थ्री ए प्लस फोर बाई फोर इंटू ए माइनस बी बाई टू बी माइनस थ्री ए प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या आ रहा है? c प्लस फोर इंटू ए माइनस बी इंटू टू बी माइनस थ्री ए प्लस टू बी माइनस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो। टू बी माइनस, हाँ यहां नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो, c प्लस फोर ए माइनस फोर बी माइनस टू बी इक्वल टू जीरो, तो a प्लस सी इक्वल टू टू बी, तो क्या आ गया? ap आ गया ना। हाँ सर, क्लियर है ये? यस सर, यस सर। नेक्स्ट बोलो। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ यार, देखो मतलब बहुत ज्यादा अब तक जो चैप्टर चल रहे थे ठीक है, मतलब सर स्टेट लाइन सर्कल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की बात है, बाकी सारे चैप्टर्स वो घूमते रहते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। सर 54th वाला बोल सकता है? क्या बोल रहे हो? 54th वाला क्वेश्चन। हाँ लेकिन उसमें तो जीपी में करना है। तो ट्रू और फॉल्स किस क्वेश्चन की बात कर रही है? अच्छा हाँ सर, ट्रू और फॉल्स। लेप करेंगे क्वेश्चन को? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 54th वाला। क्या बोल रहे हो? ये एक्सिस है और एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी ऐसे चल रहा है कि ए कॉमा जीरो जीरो कॉमा बी, और दिया हुआ है कंडीशन 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/c². तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए। ओके ठीक है ना। देखो ओरिजिन से ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ? h² + k² होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। और यही चीज क्या होगा? इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना पड़ेगा। इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/a² + 1/b² और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1/c² 1/c² तो c ऊपर आ गया ना। हाँ सर। तो क्या आ गया? h² + k² = c² तो x² + y² = c². क्लियर है क्या? अरे सही है आंसर, गलत है क्या हुआ? कुछ बोलता ही नहीं, चुप बैठे मटर। क्लियर है सर। नेक्स्ट बोलो। हाँ सर ट्रू है। नेक्स्ट बोलो। हाँ जी भाई नेक्स्ट बोलिए। गुड क्वेश्चन, आपके सिलेबस के लिए बहुत काम का क्वेश्चन है। 59 भी अच्छा ही है। कौन सा? 59 भी आल्सो गुड क्वेश्चन है ना। 59 क्वेश्चन फटाफट उससे हो जाएगा ना, किससे? फैमिली ऑफ लाइंस। लाइंस से। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि होमवर्क नहीं हुआ है? बाकी सबका होमवर्क हो जाता है। सर हो गया था होमवर्क। सर हो गया था। सर एसएल लोन ही में डाउन। मुझे लगता नहीं कि एसएल लोन सबका हुआ होगा। सबका हो गया क्या एसएल लोन? हाँ सर मेरा हो गया। सर हो गया। हो गया। हाँ सर। नहीं मैं एक दिन और समय दूंगा। लेट मी गिव वन मोर डे, ठीक है? हाँ क्योंकि बहुत लोग का नहीं भी हुआ होगा, हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़े थे? वो के निकालना ना, वो लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? कंडीशन फॉर
पर होमवर्क डिस्कस किए थे। नहीं 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 उसकी पिछली क्लास में क्या किए थे हम लोग? कंडीशन निकाल कंडीशन हाँ सर कंडीशन कंडीशन निकाले थे ना, तो क्या थी कंडीशन बताओ? AF square plus HG square plus CH square is AF square plus HG square HG square HG AF square plus BG square plus CH square है ना? हाँ सर BG equals to 2HGF plus ABC अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ सर। तो क्वेश्चन लो, फाइंड कंडीशन दैट 12x² + 7xy - 10y² + 13x + 45y + c = 0। रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन, फाइंड कंडीशन नहीं, क्या चीज? फाइंड सी, फाइंड सी, सॉल्व करो। It will take bad calculation, but do the calculation. Patience should be a virtue.
हाँ भाई आया क्या? एक बार में आंसर निकालना, भले ही स्लो कैलकुलेशन करो, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। क्या सर -35 आ रहा है? दो आंसर, एक ही आंसर आया? एक ही आंसर आएगा सर। हाँ इस केस में तो एक ही आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? -35। एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर फॉर दिस, सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, आप मुझे इतना बता सकते हो इसमें ए क्या है? 12। बी क्या है? -10। -10। एच क्या है? 7/2। गुड यार। जी क्या है? 13/2। एफ क्या है? 45/2। सी क्या है? सी। इतनी चीज क्लियर है क्या? अब भाई ऐसा है, इसको इसमें डालना है और थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं हमको आती है मैथ्स में सिंप्लीफाई करना। पेशेंस के साथ करोगे एक बार में उत्तर आएगा। तो सब लोग को मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ और 2 मिनट करने का ट्राई कर लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। -35। हाँ हाँ ठीक है, आंसर लिख दिया मैंने। और ये लोगों का नहीं हुआ है डर के मारे कि अरे यार हम गलत कर रहे, कोई गलत नहीं कर रहे हो। ये डालो इस फॉर्मूले में, उत्तर निकालो।
ठीक है, इसका हो गया? हाँ सर हो गया। आई होप हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होगा भाई, ठीक है तो फाइन। ये एक तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है, दूसरा एक आता है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड, क्या आया था पिछला क्वेश्चन, क्या था बताना जरा, मैं भूल गया, रब कर दिया, बोलना क्या था क्वेश्चन, 12x² प्लस 7xy माइनस 10y² प्लस 13x प्लस 45y माइनस 35 इक्वल टू 0। फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस। आयते भाटिया क्लास में हो? आयते भाटिया AP1 में है ना, AP2 में, AP1 में तो है आयते भाटिया। पता नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं बोलना तुम्हारी इच्छा, तुम क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताओ। अरे बोलो भाई कैसे निकालें, दो लीनियर फैक्टर में। हाँ तो वो निकालना है, दो लाइंस निकालनी है, कैसे निकालें बताओ। यार मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब हर साल उत्तर आता है इस क्वेश्चन का, आप लोग बेसिक नहीं सोच रहे हो यार, तुम सब एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 इसमें उसमें बिजी हो गए हो। अरे पेयर ऑफ लाइन निकालनी है, कैसे निकाले, फैक्टराइज करना, कैसे करें फैक्टराइज। यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग बेसिक पे ट्रस्ट ही नहीं करते हो खुद को, तुम लोग को लगता है नहीं 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 कुछ तो इसमें खतरनाक थ्योरी लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे सिंपल थ्योरी है, 45y माइनस 10y² माइनस 35, ये x में क्वाड्रेटिक बन गई ना। यस सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है ना, इसमें नहीं आता है। अरे यार आता है सर, चलो भाई अंदर वाला सिंप्लीफाई करो। और 20 का स्टेप भी चेक कर लेना, तुम्हें मालूम ही है मेरी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, एग्जैक्ट कॉपी मारने जाओगे मालूम चला मैंने गलती कर रखी है, तुम परेशान हो जाओगे। चलो सॉल्व करो, निकालो।
हाँ बोलो, आया क्या? कर रहा है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, क्या है बताओ? 23y - 43 का होल स्क्वायर है ना। तो दो दो लाइंस क्या आ जाएंगी बताओ अब? 24x + 7y + 13 = बोलिए 43 - 23y + 43। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है बेटा? 24x - 16y + 56 = 24x - 16y। हाँ तो मतलब 3 से कट गया ना, 3x + 2y और 13 और 56 8। अरे माइनस आएगा ना, -2y प्लस हाँ ये माइनस है, ये सही है क्या? +7 आ रहा है क्या? आ रहा है। और ये वाला कितना आ रहा है? 24 और 30। 24x + 30y + 30 तो किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। तो 4x + 5y - 5 = 0। ये बात चमकती है क्या किसी को भी? क्या किया मैंने? मैंने दोनों पेयर ऑफ लाइंस निकाल लिए ना। हाँ सर। तो गिवन इक्वेशन को अगर ये प्रूव हो गया कि वो पेयर ऑफ लाइंस है तो उसको फैक्टराइज करके लाइन निकालना आना चाहिए। ये पेयर ऑफ लाइंस का सेकंड टॉपिक क्लियर है क्या? हाउ टू गेट द पेयर ऑफ लाइंस। हाँ सर। यस सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। रब करें सर, हम बाय में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। हाँ हाँ, ऑब्वियसली तुमको अभी क्लास के बाद वाई में क्वाड्रेटिक बना के निकालना चाहिए, सेम लाइन आएगी। ओके सर। कॉपी कर लीजिए, रब करें। हाँ। यस सर। थर्ड चीज, बिना लाइंस निकाले हुए लेट्स ट्राई टू फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब हम पहले से ही मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं? कि जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो हमको बता दी गई। क्या बता दी गई? कि ये पेयर ऑफ लाइंस है। ये बात चमकती है? तो मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूँ एंगल बिटवीन द लाइंस। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। तो अगर ये पेयर ऑफ लाइन है इसका मतलब ये दो लाइन में फैक्टराइज हो सकता है ना? यस सर। तो लेट द लाइंस बी, देखो प्रोसेस ये जनरल तरीका है पेयर ऑफ लाइंस को सॉल्व करने का, ध्यान देना। लेट द लाइंस बी y = m1x + c1 y = m2x + c2। यहां तक क्लियर है? Yes. Yes. तो इसका अगर इसको लाइंस को ऐसा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा बोलो? y - m1x - c1 और y - m2x - c2 = 0 करूंगा तो क्या आ रहा है बोलो? m1 m2 x2, कम ऑन गाइस, आई नीड योर हेल्प, -m1 + xy। कोई जवाब ही नहीं देगा यार, बड़ी समस्या आपके बैठे हो गई है, आपके बैठे हुए समस्या हो रही है। -x m1 c2 + m2 c1 m1 y के साथ क्या आएगा? y के साथ आएगा -c1 + c2। तो मैंने कहा, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे, मैं बोल रहा हूँ लेट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दीज टू लाइंस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा मुझे? पेयर ऑफ लाइन मिल जाएगी ना? यस सर। और ऑलरेडी ये पेयर ऑफ लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइन,
बोथ रिप्रेजेंट, बोलिए बेटा, सेम कर्व, बोथ रिप्रेजेंट सेम कर्व है ना। अगर दो इक्वेशन सेम कर्व को रिप्रेजेंट करती है तो क्या बोला बताया था मैंने, कोएफिशिएंट सर, अगर दो इक्वेशन सेम कर्व को रिप्रेजेंट करती है तो कोएफिशिएंट सर प्रोपोर्शनल, ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? व्हाट इज दिस, व्हाट हैपेंड हियर, मैंने किसको कहा 1 बाय b इज इक्वल्स टू माइनस माइनस m1 c2 plus m2 c1, दिस माइट बी लुकिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, आई एग्री। तो पहले रीडिंग में अगर नहीं समझ में आता है दूसरा रीडिंग दो, दूसरे रीडिंग में समझ में नहीं आता है तीसरा रीडिंग दो, तीसरे में समझ में नहीं आता है चौथा रीडिंग दो, तब तक रीडिंग दो, तब तक समझ में नहीं है। यहां तक क्लियर है? अब बताओ मुझे लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला बताया गया है, आपको सिखाया मैंने? हां सर। क्या होता है बेटा, m1 minus m2 by m1 plus m1 ये बात क्लियर है? यस सर। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई, तुम देखो अगर m1 m2 कितना है a by b, और m1 plus m2 कितना है minus 2h by b, ये बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। तो m1 minus m2 को m1 plus m2 का टर्म में लिखना सिखाया था कभी आपको मैंने क्वाड्रेटिक में? नहीं सिखाया था। नहीं सिखाया था? सर सिखाया। बोलो ये आता है क्या सभी को? यस यस सर। हाँ यार आता होगा सभी को, हाँ बोलना चाहिए। आए थे भाटे और आप मिलने आए थे, चुप बैठे हो क्लास में, बोलोगे ना बेटा m1 plus m2 की वैल्यू कितनी होगी? 4h square by b square minus 4a by b, आए थे भाटिया? यस सर। भाई बोल क्यों नहीं रहे हो, आप तब से आपका नाम ले रहा हूँ, क्या हो गया है? इंटरेक्शन करो ना क्लास में, ही तो अपन यही तो समझाया था आपको, अभी भी नहीं समझ रहे हो आप। तू बाहर आ जाएगा, क्या आ गया h square minus ab by a plus b, ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। तो अगर आपको देखो, आपको बस ये प्रोसेस समझना है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डायरेक्टली, भाई अगर आपको कहूं कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है तो बताओ एंगल बिटवीन द लाइंस, तो हर बार थोड़ा ना पहले हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे तो एग्जाम खत्म हो जाएगा ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टेन थीटा का ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड ऑफ ए प्लस बी। तो नोट, if lines are perpendicular, if lines are perpendicular that implies a is equal to minus b, a plus b equal to zero hai na, b if lines are parallel that implies h square is equal to ab, ye baat chamakti hai? ha sir, dhyan dena beta, मैंने पैरेलल बोला है, मैंने ये नहीं बोला है पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग कि पैरेलल इंटरसेक्टिंग। आप लोग के दिमाग में क्या बैठा रहता है, पैरेलल है मतलब पैरेलल लाइन, नहीं, पैरेलल लाइन ये भी है और पैरेलल लाइन कौन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये बात चमकती है? कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो भी क्या होती है, पैरेलल ही होती है, बिकॉज पैरेलल का डेफिनेशन क्या है, टू लाइंस हैविंग सेम स्लोप, सेम स्लोप, ये बात चमकती है? सो व्हेन वी से पैरेलल, जनरली दिमाग में बचपन से बैठ जाता है कि पैरेलल का मतलब पैरेलल रेल की पटरी, नहीं, पैरेलल का मतलब कोइंसिडेंट लाइन भी ट्रू है, ये बात चमकती है क्या? यस सर। हां सर। सर जो आपने ड्राइंग बनाई थी वो भी पैरेलल है? हां, पैरेलल की डेफिनेशन क्या है, टू लाइंस हैविंग सेम स्लोप, ठीक है? तो ये देखो x + y = 2 और 2x + 2y = 4, ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है ना? हाँ सर। हाँ सर। दोनों का स्लोप सेम है ना? हाँ सर। सर लेकिन वो सेकंड वाली ड्राइंग में तो सेम मींस कोइंसिडेंट तो नहीं थी, वो आगे जाके इंटरसेक्ट हो रही थी। कौन सा? तो आपने सेकंड ड्राइंग बनाई थी? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, वो तो पार्टीशन था, ये पार्टीशन था, लाइन ऐसी थी, मुझे लगा कि वो दो ये पार्टीशन, हाँ ये पार्टीशन था,
अरे इतना क्लियर है क्या? कॉपी करिए इस चीज को अच्छे से. यस सर. सर कैमरा.
हो गया हो गया सर। अब कॉपी हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। फोर्थ पॉइंट, प्रूव दैट दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। हाँ बताओ, तपस फॉर्मूला है ना चेक करने के लिए। अरे ये सेकेंड डिग्री क्वेश्चन है कि नहीं है? है सर। तो बताओ इसमें ए का वैल्यू ए है, एच का वैल्यू एच है, अरे हाँ या ना बॉस, बी का वैल्यू बी है, जी का वैल्यू जीरो, एफ का वैल्यू जीरो, सी का वैल्यू जीरो, चमकता है। कंडीशन क्या है? AF square plus BG square plus CH square 2HGF plus ABC satisfied है क्या? देखो तो A into 0, B into 0, C into 0, sorry H 0 into H है ना, AG equals to बोलो 2 into 0 0, ये बात चमकता है क्या? तो क्या हो गया? 0 satisfied है, 0 equal to 0। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करता हुआ, नहीं नहीं अभी ओरिजिनली बात कैसे आएगी, अभी तो बस पेयर ऑफ लाइंस हुआ, ओरिजिन से पास कर रहा है ये कैसे होगा बताओ? तो ये नहीं प्रूव हुआ ना ओरिजिन से पास। हाँ वही चीज बेसिक से, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखो एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, बना लो एक्स में क्वाड्रेटिक, क्या आ गया देखो, एक्स इज इक्वल टू बोलो माइनस टू एच वाई, अरे हाँ या ना, प्लस फोर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बोलो फोर ए बी वाई स्क्वायर बाई टू ए, अरे चमका क्या? हाँ, क्या हो गया, कुछ कुछ फील आ रही है? यस सर, प्लस माइनस होना चाहिए ना। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली रहे, ठीक है, और ये y बाहर आ गया है ना, तो क्या आ गया बताओ, तो x by y is equals to minus h plus minus, बोलो भाई h square minus ab by a, अरे क्लियर है क्या? यस सर। तो क्या आ गया, x by y is equals to k1 और x by y is equals to k2, चमका, तो y is equals to mx और y is equals to m M1X, M2X, अरे ये क्लियर है क्या? क्लियर है सर। ये एक तरीका है समझने का, ठीक है, इसका एक और इंटरेस्टिंग मेथड होता है जो आप लोग को जून में सिखाया था, इसको X स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या बन गया, BY by X का होल स्क्वायर, बोलो भाई, प्लस 2HY by X, अरे चमकता है? हाँ सर चमका। अभी Y by X को M ले ले तो क्या बन गया बोलो, क्वाड्रेटिक बन गया ना, किसमें, एम स्क्वायर प्लस, हाँ तो दो वैल्यू आएगी, क्या आएगी बोलो, एम वन एम टू, तो क्या आ गया, वाई इज इक्व टू एम वन एक्स और वाई इज इक्व टू एम टू एक्स, ये क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर। तो इसी को समझने का दो तरीका होता है, या तो ऐसे समझ लो और या तो ऐसे समझ लो, प्रेफरेबली मैं इसको प्रेफर करता हूँ बिकॉज इससे क्वेश्चन बनाने में फायदा होता है, दोनों मेथड सेम है बट समझने के लिए मैं कई बार ये समझ ले समझाता हूँ, अच्छा रहता है। इट इज क्लियर है क्या? क्लियर सर।
एक और चीज मार्क करो इसमें, थर्ड एक पॉइंट, होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है मैं बताता हूं, पहले कॉपी कर लो इसको. सर वो राइट साइड में माइनस एच प्लस माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए के बाद उसको हमने के मान लिया, के वन मान लिया. हाँ. और फिर उसको वाई इक्वल टू एम वन एक्स के फॉर्म में लिखा. हाँ. सर आप थोड़ा साइड में हट सकते हैं. सर उसको हमने के इसलिए माना ताकि y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में लिख सके. हाँ. अच्छा ओके. Oh.
कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फिफ्थ पॉइंट इज होमोजीनस इक्वेशन। होमोजीनस इक्वेशन मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, थोड़ा बहुत लूजली समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड होमोजीनस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन इफ एफ ऑफ लैम्डा एक्स कैमा लैम्डा वाई इज लैम्डा की पावर एफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? देखो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो ये इक्वेशन है, सुनो। यस सर। जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स वाई है ना, इसमें x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करोगे तो क्या बन रहा है बोलो? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है? ये कट गया ना, क्या आ गया वापस से? एफ ऑफ एक्स वाई आ गया ना, लैम्डा की पावर जीरो। तो क्या ये होमोजीनियस ऑफ डिग्री, होमोजीनियस ऑफ डिग्री बोलो? जीरो। जीरो। अभी मान लो मैंने ये दिया, ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, बताओ क्या है ये? एफ ऑफ लैम्डा एक्स को हमें लैम्डा वाई लो, क्या आ रहा है? ए लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एच लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बाहर ले लिए, क्या आ रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, चमकता है क्या? हाँ सर। क्या लिखा हुआ? लैम्डा स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स कमा वाई एक्स वाई। तो ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री टू, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू है। सिंपल सी बात है, ये टफ तरीका था समझने का। सिंपल तरीका बताऊं, इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर है ना, डिग्री कितनी है उसकी? टू। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x और y है ना। x का डिग्री कितना है? 1। y का डिग्री कितना है? 1। तो पूरे टर्म का डिग्री कितना है? 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y। डिग्री कितना है? 2। तो हर टर्म का डिग्री कितना हो गया? 2। इसलिए ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। ये बताओ ये होमोजेनियस है क्या? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, बस इतना। ये होमोजेनियस है क्या? नहीं है सर। नहीं है ना। यहाँ पे डिग्री टू, डिग्री टू, डिग्री टू और यहाँ पे डिग्री वन, तो ये होमोजेनियस नहीं है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। यस सर। सबकी डिग्री सेम और जो डिग्री है वो होमोजेनियस होगी और वो उसकी डिग्री होगी। हाँ बस ये लूज सेंस आता ही है, बिल्कुल परफेक्ट है। जो इक्वेशन होमोजेनियस नहीं होगी वो हेटरोजेनियस होगी। ऐसा कोई टर्म होता नहीं है, नॉन होमोजेनियस बोलते हैं, होमोजेनियस हेटरोजेनियस नहीं बोलते हैं। ओके सर।
थोड़ा साइड हो सकता है। स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो गया। नहीं सर। नो सर। बात नहीं ठीक है। सर हो गया लिख के। नहीं सर। हाँ भाई। रब करे सर। नेक्स्ट लिखो एनी होमोजिनस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन will represent n straight lines passing through origin. Example दे देता हूँ फटाक से समझ जाओगे। ax cube plus bx square y plus cx y square plus dy cube. ये एक homogeneous equation है क्या? Yes sir. डिग्री थ्री एक्स क्यूब से डिवाइड किए तो क्या बन गया? फील आ रही है क्या किया मैंने? हाँ, अब इसको डीएम क्यूब प्लस बोलो बेटा सीएम स्क्वायर प्लस डीएम प्लस ए इक्वल टू जीरो। कितने रूट्स होते हैं क्यूबिक के? तीन रूट आएंगे सर। तो m इज इक्वल टू तो m तो क्या आ जाएगा बताओ? y बाय x इज इक्वल टू m1, y बाय x इज इक्वल टू m2, y बाय x इज इक्वल टू m3। कितनी लाइंस आ गई? तीन लाइंस। तो डिग्री n रहेगा तो क्या बनेगा? n डिग्री का इक्वेशन बनेगा ना। कितनी लाइंस आएंगी? तीन लाइंस। कॉपी करिए।
सो स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू क्या लिखा है? हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, क्या होना चाहिए? 0.0 खत्म बात। मैंने होमवर्क डाल दिया है बट आंसर नहीं डाल रहा हूँ, तो आंसर आप लोग अपने किसी फ्रेंड से डलवा लीजिएगा, पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। होमवर्क में ट्विस्ट भी है, तो ट्विस्ट बता दूंगा मैं। क्या हो गया विक्की सर को? अरे कॉपी कर लिए ना सब लोग? भाई एक बात बोल रहा हूँ मैं, ये बुक मंगा लेना सब लोग, ठीक है? यस सर। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है, तो एग्जांपल 13 क्या बेटा? पार्ट 1 है ना वो? हाँ, एग्जाम्पल 13 जो आपको इमेज देगी, अपने मोबाइल पे इमेज देखिए, 6 से लेके 14th क्वेश्चन में, 6 से लेके 14th क्वेश्चन में बस k का वैल्यू निकालना है ताकि वो क्या बन जाए। अबे यार कोई बोलता नहीं है, गुस्सा। जो मैंने आपको होमवर्क भेजा है, जो होमवर्क भेजा है उसमें 6 से लेके 12 में क्या निकाल, 13 में 14 में क्या निकालना है? Find k such that following equation may represent two straight lines. तो आप तो k निकाल लोगे, है ना? Yes sir. अब आपको करना क्या है वो समझो, आप k निकालने के बाद ना उस लाइन को फैक्टराइज भी करना दो लाइंस में, तो ही आप टॉपिक सीख पाओगे। ये बात चमकती है? Yes sir. आपको होमवर्क समझ में, होमवर्क क्या है? लोनी के दो चीज होमवर्क हो गए, इतना ही होमवर्क रखते हैं फिर डिस्कस नहीं हो पाती चीजें, ठीक है? यस सर। चलो रखो, बाय बाय सर।